दोस्तों कमेंट में हमसे पूछा जाता है कि पठान कौम जो अपने पीछे खान लगाती है उनका इतिहास क्या है। हिंदुस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जितने लोग क्या वो सभी चंगेज़ खान की नस्ल हैं, यानी जैसा कि आज के दौर में मशहूर बॉलीवुड स्टार जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के जिनका ताल्लुक खान बिरादरी से है वो अपने नाम के आखिर में खान लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका रिश्ता चंगेज़ खान से क्या है। क्या चंगेज़ खान हिंदुस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जितने खान मौजूद हैं सभी खानों का पूर्वज है या सच्चाई कुछ और है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों इतिहास में सबसे पहले खान का प्रयोग सेंट्रल एशिया में देखा गया था, जिसका मतलब बादशाह होता है यानी सबसे बड़ा सरदार। अपने शुरुआती दौर में खान टाइटल का प्रयोग मंगोल साम्राज्य में होता था। आपको बता दें जिसके बाद दुनिया भर में बढ़ता गया, इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा तरीन टाइटल बन गया। कहते हैं जब 13वीं सदी में चंगेज़ खान ने अफ़गानिस्तान को फ़तह किया तो वहाँ के बसने वाले लोगों ने, ख़ास करके पश्तूनों ने, खान का टाइटल बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया और इसीलिए आज के दौर में हिंदुस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पश्तून कौम यानी पठान कौम इसका इस्तेमाल बड़ी तादाद में दिखाई दे जाएगा। जिसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है पठान कौम में जितने भी खान टाइटल इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनका कोई भी ताल्लुक चंगेज़ खान से है। 13वीं सदी से लेकर मुगलिया सल्तनत के दौर तक एक अजीम तरीन उपाधि थी जिसका इस्तेमाल लोग अपनी हैसियत को दर्शाने के तौर पर करते और वहीं से लेकर आज तक लोगों द्वारा खान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चंगेज़ खान की नस्ल की करें तो आज भी उसके वसन देखने को मिल जाएंगे जो चंगेज़ खान को अपना पूर्वज तो मानते हैं लेकिन अपने नाम से खान शब्द का प्रयोग नहीं करते। दोस्तों अगर इसके अलावा बात सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की करें तो आपको बता दें इनका किसी भी तरीके से कोई भी ताल्लुक चंगेज़ खान से नहीं है बल्कि इनका ताल्लुक पश्तून यानी पठान कौम से है जो कि मुख्य रूप से अफ़गानिस्तान में पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज के दौर में मौजूद खान चंगेज़ खान के बीच का फ़र्क समझ में आ ही गया होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।